आज कुछ ज़्यादा रेट लगाऊंगा ताकि कुर्बानी के पैसे पूरे हो जाएं। हर कस्टमर को 10 रुपये ज़्यादा बताऊंगा ताकि कुछ पैसे ज़्यादा हो जाएं। और मेरी ईद भी अच्छी गुजरेगी। भाई साहब घी कैसे दे रहे हो? भाई आजकल महंगाई बहुत हो चुकी है, घी 220 रुपये किलो है। सभी दुकानदार 200 दे रहे हैं, आपके 20 ऊपर हैं। नहीं नहीं मुझे इतने में नहीं आता। चलो भाई दे दो। कोई पूछने वाला है नहीं, इसी तरह मेरा काम चलता रहा है। भाई साहब 1 किलो चावल दो। 300 वाले, 200 वाले या 180 वाले हों? नहीं नहीं मुझे 120 वाले हों। 120 वाले 180 पर हैं, बहुत महंगाई हो चुकी है। चलो भाई 1 किलो दे। बस यार पति में एक अलीम भाई के पैसों की कमी है, बाकी साहब के मुकम्मल पैसे आ चुके हैं। अलीम वो करियाना स्टोर वाला? हाँ हाँ यार बस अलीम के पैसों की कमी है, बाकी साहब के मुकम्मल आ चुके हैं पैसे। हाँ आज अच्छी सेल हो गई है, पैसे कुर्बानी वाले को गिन के दे आऊँ। वालेकुम सलाम। अलीम भाई आपको याद? खैर भाई मेरे हिस्से के कितने पैसे आ रहे हैं? अलीम भाई साहब के 12-12 हज़ार आ रहे हैं और आपका भी 12 हज़ार है। चलो मैं अपना 12 हज़ार दे देता हूँ आपको। हाँ अगर आपके पास हैं तो आप जमा करा दें, फिर आप कुर्बानी वाले दिन आ जाएं। जी मेरे पास है। ठीक है तैयार भाई, मैं कुर्बानी वाले दिन आ जाऊँगा बैल को ज़िबा करवाने। चलो आप कुर्बानी वाले दिन आ जाना, पानी तो पीते जवा मारे। तैयब यार अलीम भाई के लिए पानी दे। खैर भाई ये आदमी भी हमारी कुर्बानी में शामिल है। हाँ यार मेरी आपके भाई से बात हुई थी, एक आदमी की कमी थी और माशाल्लाह इन्होंने भी कुर्बानी में हिस्सा डाल दिया हमारे साथ। कुर्बानी हम पर फर्ज है तैयार भाई, हम कुर्बानी के लिए अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। खैर भाई आप 1 मिनट इधर आना। हाँ हाँ चलो क्या बात है? खैर भाई ये तो आदमी फराडी है, सारा दिन हराम कमाता है, एक ही चीज़ 20 की देता है। हाँ यार हराम की कमाई से कुर्बानी कबूल तो नहीं होती, इसके साथ साथ इसके पैसों से हमारी कुर्बानी भी अल्लाह ताला ना पसंद कर, इससे बेहतर है कि इसे पैसे सारे वापस कर। अलीम भाई नाराज़गी माफ़, आप इस कुर्बानी में हिस्सा नहीं ले सकते, ये लें अपने पैसे। क्यों तार भाई क्या मसला है? अलीम भाई बात यूँ है, इसलिए आप इस कुर्बानी में हिस्सा नहीं डाल सकते क्योंकि अल्लाह कुर्बानी उस टाइम कबूल करता है जब उसकी खुद की कमाई आपकी डाल दी। तो अल्लाह भी